नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई YouTube वीडियो में। दोस्तों, जो एयरफोर्स ने फॉर्म फिल कराए थे उनके एडमिट कार्ड आज यानी कि 16 अप्रैल को रिलीज कर दिए हैं, और हम किस तरह उन एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह हम उनको प्रिंट कर सकते हैं, ये सब मैं आपको अपनी इस वीडियो में बताऊँगा। तो देखते रहिए दोस्तों हमारी इस यूट्यूब वीडियो को। देखिए दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आपको जॉब के बारे में सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जो एयरफोर्स ने ये देखिए 3, 4 और 5, 6, 4 डेट्स हैं दोस्तों, एयरफोर्स अपने टेस्ट लेगा। और एडमिट कार्ड हम कैसे डाउनलोड करें, तो सबसे पहले आपको ब्राउजर में जाना होगा, और वहाँ पर आपको दोस्तों एयरफोर्स की वेबसाइट है जो ऑफिशियल, उस पर आपको विजिट करना होगा, एयरमैन सिलेक्शन .gov.in पे आपको जाना होगा। दोस्तों ये देखिए, आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आपको लिंक दिखाई दे रहा है CASB2 डाउनलोड एडमिट कार्ड, तो आपको इस पे क्लिक करना है। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, आपके सामने ये ऐसा पेज ओपन होगा, और यहाँ पर आने के बाद आपको ये कैंडिडेट का जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पे लॉगिन पे क्लिक करना है। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे साइन इन करना है। साइन इन करने के लिए जो आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपनी ईमेल आईडी भरी थी दोस्तों, वो और उसका पासवर्ड फिल करना है, और आपके सामने ये जो कैप्चा है इसको फिलअप करना है। ये देखिए दोस्तों, आपको साइन इन पे क्लिक करना है। ये देखिए दोस्तों, साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा पेज ओपन होगा, तो आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने के बाद डाउनलोड एडमिट कार्ड पे आपको क्लिक करना है। आपका एडमिट कार्ड ये देखिए दोस्तों साइट बिजी है, तो दोस्तों आप यहाँ पे लॉगिन करने के बाद अपना एडमिट कार्ड यहाँ से निकाल कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। ये देखिए दोस्तों, अभी ये एडमिट कार्ड नहीं निकल रहा है, लेकिन आप डाउनलोड एडमिट कार्ड पे क्लिक करने के बाद अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में आप जाकर कमेंट कर सकते हैं, और कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो आप इसे लाइक करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।